गरम गरम रोश ये वो उसको तो दर्जी है। दर्जी दर्जी तो कपड़े सीता है। रब को याद करो, सब को याद करो, मिला यार मिला दिल है रब्बा। कभी 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 कुछ होता है, कभी कभी कुछ होता है, इंसान होता है जब अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं। एक दफ़ा फिर फूलों के शहर पेशावर से ताहिरा रिफ़त आपको खुश आमदीद कहेगी। आज की मेरी वीडियो आपने स्किप करके नहीं देखनी, पूरी वीडियो देखनी है। वीडियो के अंदर बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत फ़नी फ़नी से सीन है। अभी मैं नौशहरा से गुजर रही हूँ और जी मानकी शरीफ की तरफ बढ़ रहे थे। पिछली वीडियो आपने देखी बागात के हवाले से जो मैंने की थी, माल्टो के बागात में हम गए थे। तो जी उसी सिलसिले में हमारी की मेहमान नवाजी हमारे पठानों ने, और हमारे पठान भाइयों ने जब हमारी मेहमान नवाजी की तो उस वीडियो को तो बनना ज़रूरी था। तो जी अभी हम लोग शोगरान चौक से होते हुए गुजर रहे हैं और ये जो ट्रैफिक सिग्नल पर आपको ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, इनके इशारे बड़े मशहूर हैं और इनको काफ़ी सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है। हमारे पेशावर का फ़ख्र है। इंशाल्लाह इनसे भी आपको ज़रूर मैं मिलवाऊंगी। और जी यहाँ से अभी हम आगे की तरफ बढ़े तो मानकी शरीफ के जो खूबसूरत खूबसूरत पहाड़ थे, खूबसूरत वादी थी, और उधर से हम लोग गुजर रहे थे। और ये जो माल्टे आपको नज़र आ रही हैं बागात के बाहर बिक भी रहे थे। और इसके साथ साथ जब हम आगे गए तो ये वो जगह है जहाँ पर हम लोगों को इन्वाइट किया गया था। इन पहाड़ों से गिरी हुई इस वादी के अंदर हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू मटन टिक्का की जो है वो पार्टी चल रही थी, और हम लोगों ने कहा कि क्यों ना इस पार्टी को जो है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाया जाए। तो फिर इंजॉय करिए। यहाँ पर खाना बनाने के लिए आग जलाई जा रही है और यहाँ पर सही पूरा इंतज़ाम किया गया है पिकनिक का, और बारबेक्यू पकाते हैं, रोश पकाते हैं, रोश बनाएंगे, बारबेक्यू बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये भी आपको दिखाएंगे। भाई आपका नाम क्या है? मुख्तियार। मुख्तियार आप क्या वैसे ही शौकिया बनाते हैं? नहीं आपका ये फील्ड है, बनाते हैं? हमारा फील्ड है। अच्छा, जान टिक्की कढ़ाई का कुक है। अच्छा, तो ये जान टिक्का कढ़ाई जो है ना उनके कुक हैं, और यहाँ पर ये ज़िया भाई के फ्रेंड हैं और यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर ये बनाएंगे। अभी नमाज ब्रेक है, नमाज के फौरन बाद जो है फिर आपको और इंतज़ाम भी मैं दिखाती हूँ। ये सारी सिटिंग, यहाँ पर बैठने का सिस्टम, और ये अभी सामान पड़ा हुआ है, सब्ज़ी है। अच्छा यहाँ पर क्या है, गोश है, ये पतीले वगैरह पड़े हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पड़ी हैं, कावे के लिए थर्मस वगैरह का भी इंतज़ाम है। ये कितनी देर में बनेगा? ये डेढ़ घंटा दो घंटे लगेगा। डेढ़ दो घंटे में आग जल चुकी है आरिफ, और यहाँ पर रोश की तैयारी है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो रोश हमारे यहाँ की बहुत ही स्पेशल डिश है। नीचे चर्बी यानी डल, और क्या बोलेंगे, लाट, लाट। अच्छा डल नहीं है, डल में और उसमें क्या फर्क होता है भाई? बहुत फर्क है, वो चर्बी का है और ये लाट का है। अच्छा ये लाट है और इसके ऊपर आलू धो के रख दिए। अब इसके बाद जो है भाई गोश्त डालेंगे। मेरा गोश्त डाले, गोश्त डाले कह रही हूँ, दिखाए। ये नरे गोखा है, गढ़ है, दुम्बे का गोश है बिल्कुल, और बड़े बड़े पीसेस किए हुए हैं दुम्बे की बोटियों को, गोश को। और अच्छा इसको बनाने के लिए आप इस ही गोश का इस्तेमाल करेंगे, यानी दुम्बे के गोश का ही इस्तेमाल किया जाएगा। मेरे साइड पे आग लगी हुई है और सही सेका लग रहा है। मैं यहाँ आ जाऊँ, ये ना हो कि मैं कहीं जल ना जाऊँ। अच्छा फिर इसके बाद क्या गलेगा? वाह नमक का छट्टा, नमक लगा रहे हैं। जैसे हम लोगों के जख्मों पे नमक छिड़कते हैं, ऐसे भाई जो है इस गोश्त पे नमक छिड़क रहे हैं। इसमें ज्यादा नमक डलता है? ये तो नमकीन है ना, इसके रोश कहता है, सिर्फ नमक और ये लहसुन हो।
ये चीज भी और अच्छा। अब पूरी पूरी लहसुन की जो गड्ढी है ना वो डाल दी है, गार्लिक पूरा पूरा इसी तरह छीले बगैर डाल दिए। ये भी खाते हैं इसके साथ, यानी ये कोई मतलब फ्लेवर के लिए तो है लेकिन इसको ये, खाते भी ये सफेद जीरा है। सफेद जीरा, अच्छा कोई रेसिपी आपसे नहीं छुपा रहे। अच्छा लेकिन भाई के हाथों का जादू होगा इसमें, ये तब खाने के बाद पता चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आप इधर है तो फिर आप भी चेक करेगा। बिल्कुल सफेद जीरा डाला है। अच्छा इसमें कोई ज्यादा मसाले नहीं डलते कि भाई 10-12 मसाले डाले होंगे, भी गरम मसाला डालो और ये डालो और वो डालो। सिरका, शिमला चक्की, शिमला चक्की मिला है और प्याज, प्याज का छिलका हटा के और प्याज को साबुत इसमें रख देना है। इसमें कोई खुआरी करने वाली मतलब चीज नहीं है, ये जो अपना इसका टेस्ट है ना गोश्त का वो ही आपको मजा देगा। तो ये तो गोरे मसाले को लेकर भी काम नहीं सीखोगे, बहुत आलू चाहिए किसी और डबल प्लस पे। अच्छा आटा गूंद के और इसको ऐसे लंबी सी शेप दे देनी है सांप की तरह, और ये पतीली के किनारों पे लगा देंगे कि मतलब इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर ना जाए। इसी तरह ही है दकदा, ये दकदा तो दर्जी है। दर्जी, दर्जी तो कपड़े सीता है। मतलब पख्तो तो आती है थोड़ा, तो पख्तो आती है खुश, चल माला दुमरा नहीं आती है ना, चल का मसला है। चल तो आज अभी हम इस दका करेंगे इस पख्तो को, बहुत ज्यादा गुजारा को करेगा मक्केना। हां मिनरल वाटर से हम लोग मिर्चे धो रहे हैं, डाल दे दी इसके और पीने दी इसके और साफ कर ले दी इसके। सही, खाने पीने में सफाई में हाइजीन का जो है ना बहुत ख्याल रखना है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। वो उसके छोड़ दे उस बकी से यह है सारा मुझे नहीं इसको दे कंपनी सारा सारा पास ये ये बोल के चुप, ये बच्चा बोलते अभी सब्जी नहीं है, सुबह सुबह का टाइम में सब्जी बोल रहे तो आज कैसे सेक रहे, मैंने कहा शायद सब्जी लग रही है। मैं तो कहीं ता 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 यकीन कीजिए पौना घंटे बाद भाई ने कहा कि आना, तब तक इस कढ़ाई इस रोज को छेड़ना नहीं है। यार तो तोर स्वर्ग तब गोरम मां दे यार कुछ से ठोले खुशी दी ना। हां 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 मैंने खातिर प्रीति शेर वो तसमू आया यो उर्दू के मुआ आया करना पख्तो को सोक ना पुए, मतलब हाल को सोक ना पुए पता सब नजद है। हां उर्दू में नजद करना, थोड़ा सा उर्दू में कोई गाना सुना दो। रब को याद करो, सब को याद करो, रब मिला यार मिला दिल है रब्बा। रब को याद करो, सब याद करो, रब मिला यार मिला दिल है रब्बा। कभी 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 कुछ होता है, कभी जभी कुछ होता है, इसका लगाता है जब सब तोड़ जाता है। सही है, सही है, सही है। अभी सब नई मारा तात नोरम शाबाश है लड़की। नेक्स्ट शर्मा रहे हैं। नेक्स्ट की मालिक। नहीं चलो मैं इसके साथ हूँ, बोलो। अभी चलो, बोलो। वो भी दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बताओ चलो। दिल मेरे प्यार तेरा होठों पे घितवा, झूठ बोले जता है, झूठ बोल बोता है, इसकी बात पराता है। इसका डांस करने को भी दिल कर रहा है, जबरदस्त जबरदस्त है ना डांस। यहाँ हम लोगों ने अगर डीजे वीजे का कोई सिस्टम रखा नहीं, नहीं, मैं अभी वो गाड़ी में है ना, गाड़ी में गाड़ी डांस लगा।
मस्त नहीं है, मस्त नहीं है। हाँ अभी पूछो क्या पूछना है। इसने क्या कहा है? हमने जो बोल दिया वो नहीं। वो मछली को कह रहे कि नमक लगा रहे हैं। ये बोंग के गोश, ये बोंग का ही गोश है ना? ये दुम्बे का गोश है। नहीं पर ये इस पीस को बोंग भी कहते हैं ना? इसको मछली कहता है। अच्छा उर्दू में बोंग भी कहते हैं। अच्छा ठीक है। पख्तों में बल कहते हैं, उर्दू में बल कहते हैं। ये मछली जो है भी पख्तों में नहीं है, ये उर्दू का लफ्ज है। नो तो इसका जो पख्तों में इसको खपा कहते हैं, खपा जो कसाई की जुबान है ना उसमें बोंग ही कहते हैं। मैं ओरिजिनल वाली उर्दू की बात कर रही हूँ जो कराची में बोली जाती है, हैदराबाद, लाहौर वाला जो है, लाहौर में पंजाबी बोलते हैं और सेल मीठा बाजार में तो उर्दू बोलते हैं। किसके बाजार में? सेल मीठा बाजार। सेल में क्या होता है? सेल मीठा बाजार यार वो बाचाई मस्जिद का साथ जो इसका नीचे उर्दू की गया है। सेल में, सेल में मतलब क्या? सेल मीठा बाजार लाहौर में तुमने नहीं देखा? नहीं मैं लाहौर गई। तुम लाहौर नहीं देखा? मैं लाहौर बहुत देखा लेकिन ये सेल मीठा बाजार नहीं देखा मैंने। फज्जे के पाए खाए मोबाइल में दे सेल मीठा बाजार। चलो बस अभी लाहौर का भी ये मेरे लिए काम बढ़ा रहे हैं। लाहौर में भी थोड़े दिनों में जा रही हूँ, मेरा प्रोग्राम है, आपने उधर फिर जरूर जाएंगे हम लोग। सेल मीठा बाजार, सेल मीठा बाजार तो उसमें मीठा भी मिलता है। मीठा बहुत, मीठा बहुत मिलता है। आप गए हुए लाहौर? हाँ जी। आपको लाहौर में क्या पसंद तो है? हर जाता हूं। अच्छा भाई खाने बनाते तो हर जगह जाते हैं, कुक है ना? हाँ कल पला वाला का साथ में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची। अच्छा बैंकर, बैंक अलपला, बैंक अलपला। अभी कलेजी भी है, कलेजी को भी साथ साथ ये सीट पे डाल रहे हैं। और बात सुने भाई, ये आपने इसके अंदर चर्बी क्यों नहीं लगाई? किसको? इसके अंदर नहीं, बस उसको चर्बी की जरूरत नहीं है। दुम्बे का गोश है, इसमें अपना चर्बी है। ये जो कोले में रखेगा तो कुछ देखेगा। आपने इसमें इतना नमक डाला, ये ब्लड प्रेशर के मरीज खाएंगे? नहीं ये मरीजों के लिए नहीं है। अच्छा ये मरीजों के लिए नहीं। लेकिन ये वीडियो में मरीज देखेंगे तो उनका तो फिर झड़क करेगा ना कि वो भी खाएं। उसके लिए बगैर नमक पकाऊंगा। अच्छा यखनी? हाँ ये भी पका दूंगा बगैर नमक। किलो तो है लेकिन ये एक ग्लास से तो नहीं उठाता ना। इसको लांदे कर देना भाई, ये वाले पीस को, इस वाले को ये करूंगा। अरे भाई दादा को बहुत और आड़ा वाले दे घर वाट के दे रो रोज दखी के ना जल्दी कोयलों पे सारी सीखे रख दी हैं। अभी फिर तो आप इस पे नमक नहीं डालेंगे ना मालिका? नहीं भाई को कितना पसीना आ गया सर्दी में। और भाई सही माशाल्लाह टमाटर की तरह लाल हो गए हैं। इस तरह तो होता है, इस तरह के काम है। ऐसा पैदा किया लेकिन खौलत पसीने तो हमको। आप बहुत प्यारे लग रहे हैं, आपको पता है नेचुरल ब्यूटी, लड़कियां क्रीमें लगा के खुद को सफेद करती हैं। ओ तो हम तो मुमन लोग हैं, हमारे लड़की और लड़का एक भी क्रीम नहीं लगाते हैं ऐसा है। सुभान अल्लाह क्या बात है।
शॉर्ट्स देखने के बाद आपके मुंह में यकीनन पानी आ गया होगा। तो जी मैं यही चाहती थी कि आप लोगों के मुंह में पानी। अगर आप लोगों ने ये मटन टिक्का कढ़ाई खाना है तो आप हमारे पिशावर का रुख कर सकते हैं। तो जी अब मैं रिव्यू देने लगी हूँ। ये वही लहसुन था और इसको इतना सॉफ्ट हो गया था, इतना टेंडरी ये गोश्त था, इसके अंदर तक नमक और मतलब सारे उसके जो जायके थे ना, मिर्च का, प्याज का, लहसुन का, वो टेस्ट आ रहा था। और दही के साथ, सादे दही के साथ इसको खाने में क्या बात है, चस आ गई थी, मज़ा आ गया था। अच्छा यहाँ पर माइक तो मैंने लगाया हुआ है लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो, शायद बैटरी इसकी लो हो गई थी माइक की या फिर सिग्नल्स का कुछ इशू होगा तो इस वजह से उसकी आवाज़ सही नहीं आई, तो इससे मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर जी ये सीख पर बना हुआ गोश है, क्या बात है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में पानी आ गया है। ये गोश्त भी जी मज़ेदार था, इतना सॉल्टी, इतना टेस्टी, अंदर तक गला हुआ और अंदर तक इसका जायका गया हुआ था। और इसको खाने के बाद भी मैं कहूँगी कि चस आ गई थी। मुख्तियार भाई के हाथ में बहुत लज़त थी। खाना खाने के बाद हम लोगों ने माल्टे खाए। माल्टे खाने के बाद जी रात तकरीबन शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, तो जिन लोगों ने चाय पीनी थी चाय पी, जिन लोगों ने कावा पीना था कावा पिया, हमने तो कावा पिया क्योंकि इतना गोश्त खाने के बाद कावा तो बनता है जी। ज़िया भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ का बहुत बहुत शुक्रिया, उनके तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इतनी इज़्ज़त अफज़ाई दी, इतना मेरा मान रखा। आपके प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय, फिर आने लगा।